इसका मुझे इंतज़ार था, तो चलो फाइनली दिखाती हूँ आप लोगों को। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइली विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो मैं यहाँ पे ना यहाँ तक के वीडियो आपको दिखाई थी, तो ये दो कड़े बच गए थे जिसको मैं धागा लपेट रही हूँ। तो आज मैं आपको ये ब्लू वाला सेट बना के दिखाऊंगी थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल सके। तो ये चूड़िया जो है ना मेरे ऑर्डर की जो है कंप्लीट हो रही है, और गाइज आप सभी के दुआओं से, प्यार से, और आज मेरे घर में फिर से दो दो खुशियाँ आई हैं। मैं हमेशा भगवान से प्रे करूँगी कि जो लोग मेरे दुश्मन हैं, यानी कि जो लोग मुझसे जलन रखते हैं, कभी भी उनकी नज़र मेरे घर पे ना पड़े, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। तो अगेन मेरे घर में दो दो खुशियाँ आ गई है। मेरा नया ऑफिस भी बन गया है, ऑफिस का सारा फर्नीचर भी कल हम लोग बाय करके लेकर आए हैं, और घर के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, जो जो कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। गाइस ऐसे ही अपना प्यार, सपोर्ट, सब कुछ बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। तो ये आप सभी के लिए नहीं है, और कुछ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे रिलेशन में थे कभी, तो मुझे इतना पता है कि उन लोगों ने हमेशा मुझसे जलन रखी है, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश किया है, कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग कभी आगे बढ़े, कामयाब हो, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा हमें बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश की थी। तो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, कहते हैं ना कि जैसे जैसे मैंने अपना एक एक चीज़ बेचा था और बहुत रोई थी, तो वैसे ही भगवान ने मेरी फिर से सुनी है गाइस। वैसे ही मेरे घर में एक एक चीज़ की खुशियाँ आ रही है। अगर आप लोगों का दुआएँ, प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा, कहते हैं ना कि एक फैमिली जाती है तो दूसरी फैमिली मिल जाती है, तो मुझे इतनी बड़ी खुशी है ना कि जब आप लोग ये कहते हो ना कि दीदी हम हैं आपके साथ, तो आप ये समझ लो कि मेरा सारा जितना भी दिमाग का टेंशन होता है ना, सब वहीं ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई मुझे एक बहुत बड़ी फैमिली मिली है, जो कि आप सब हो मेरे लिए। आप सब लोग मेरे लिए हमेशा दुआएं प्रे करते रहते हो, तो आप सभी की दुआओं से, प्यार से आज मेरे घर में फिर से दो दो खुशियाँ आई है। एक तो मेरा ऑफिस बन गया है और सारा ऑफिस का काम हो गया है, ऑफिस सेट हो गया है। तो ऑफिस की जो ओपनिंग है कब होगी उसका डेट भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो मेरे घर में फिर से गाइस धीरे धीरे करके खुशी आ रही है। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जो लोग मुझसे हमेशा जलन रखते थे और मुझे हमेशा नीचा दिखाते थे अपने घर होने का, और जिन लोगों ने हमें अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से बाहर निकाला था ना, भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी अब हमारा अपना खुद का घर भी होने वाला है गाइस। और ऐसे ही प्रे दुआएं अपने आप लोग मुझ पे बनाए रखना, मैं बस यही कहूँगी। दिल से आप लोगों का धन्यवाद कहती हूँ। और मुझे एक ऑर्डर मिला है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, तो पेमेंट वगैरह हो चुकी थी, तो जो पेमेंट मुझे मिली थी उसी पेमेंट से मैंने ये बेड बाय किया है गाइस। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ इतनी ज़्यादा है ना कि मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को। तो ऐसे ही आप लोग मेरा परिवार बन के हमेशा रहना गाइस। मैं कभी भी आप लोगों को अपना सब्सक्राइबर, व्यूवर्स नहीं मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरा एक बहुत बड़ा परिवार हो गाइस। तो मुझे बहुत बहुत सारे लोग मिले हैं मेरे परिवार के अंदर, मेरी बहुत अच्छी अच्छी मेरी बहनें मिली हैं जो कि मुझे इतना प्यार करती हैं, तो मैं कैसे आप लोगों का दिल से धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है गाइस। थैंक यू सो मच। और देखा जैसे जैसे मेरी सारी चीज़ें चली गई थी, वैसे वैसे भगवान की दया से, कृपा से, वैसे वैसे एक एक चीज़ मेरे घर में आ रही है। और आप लोग ऐसे ही प्रे करते रहना ताकि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं। और बस इतना ही कहना चाहती हूं कि जिन लोगों ने हमें निकाला था ना, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक सबक होगा मेरे। मैं हमेशा चाहती हूं कि जब कभी किसी ने मुझे नीचा दिखाया है ना, तो मैंने बहुत पेशेंस, सब्र रखा है अपने लाइफ में, ताकि मैं उस पेशेंस, सब्र से ना मेहनत करके ना उन लोगों को दिखा सकूं, बता सकूं कि देखो तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया और भगवान हमारे साथ क्या कर रहा है। तो कहते हैं ना गाइस कि भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा रहता है, हमेशा। तो आज भी भगवान मेरे साथ है, मैंने कभी लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया है, सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, तो इसलिए भगवान हमें, हम मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकता है। तो लो गाइस फाइनली आप लोगों के दुआओं से, प्यार से मेरे घर में एक नया बेड भी आ गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये बेड हमें जो है ना पूरा 20,000 का पड़ गया है, क्योंकि ये बेड हमने कीर्ति नगर से लिया है, और काफ़ी दिन से हमने इस तरह का बेड बनाने के लिए बोल रखा था, और काफ़ी टाइम पहले भी मैंने अपने वीडियो में बोला था। और गाइस आप लोगों की दुआओं से, प्यार से दो चीज़ हमारे घर में और आने वाली है, तो उसके लिए भी प्रे करना। और मैं बहुत खुश हूँ गाइस, भगवान की दया से हमारा अपना खुद का ज़मीन भी हो गया है,
बहुत जल्दी हो सकेगा, जब हमारे पास पैसे वैसे होंगे तो बहुत जल्दी मैं अपनी ज़मीन का भी काम शुरू कर दूंगी। तो देखा, कहते हैं ना कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खनते हो ना तो भगवान आपके लिए खाई तैयार कर देता है। तो अब हमें किराए पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए गाइस। तो धीरे धीरे करके ना मैं सब कुछ लेने वाली हूँ और आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा बेड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कल का जो टाइम है ना, पूरा दिन हम लोगों का बाहर भी चला गया था। एक्चुअली मेरा तो नहीं, मैं तो घर पर आ गई थी, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का पूरा दिन निकल गया, क्योंकि कल ही हमारे ऑफिस का सारा फर्नीचर वगैरह जो है ना सारा खरीदाया था, और घर का भी सामान खरीदाया था। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगी, अभी वो चीज़ें नहीं आ रही है, वो बाद में आएगी, क्योंकि इस महीने हम वो उस चीज़ को नहीं उठा के लाएंगे, क्योंकि अगले अगले महीने या फिर उसके बाद लेकर आएंगे। जब भी लेकर आएंगे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरे घर में नेक्स्ट क्या आने वाला है आप लोग जब तक गेस करते रहना। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड को ना वीडियो कॉलिंग किया था, क्योंकि मैंने अपना ऑफिस देखा नहीं है, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग किया था ऑफिस दिखाने के लिए। ऑफिस हमारा सेट हो गया है और सफाई का काम चल रहा है, तो मैंने वीडियो कॉलिंग पे ही उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दिया। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। कल भी बेचारे सुबह 8 बजे निकले थे और रात को 9 बजे घर में बड़े थे। तो इस तरीके से हमारा पूरा दिन चला जा रहा है। तो मैं भी अभी आप लोगों को ना अपने नए ऑफिस का थोड़ा सा झलक दिखाऊंगी। तो गाइस अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, बतानी है, कहनी है कि क्यों लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, जिनके साथ बुरा होता है मैंने अक्सर देखा है उनका बाद में अच्छा हो जाता है, लेकिन जो बुरा करने वाले होते हैं उनका बस से बदतर हाल होता है। तो कृपया करके कभी किसी के साथ बुरा ना करें, मैं तो यही कहूंगी। कभी किसी को बुरा शब्द ना बोले, किसी को गलत ना बोले, मैं तो यही कहूंगी। जैसे लोग कमेंट्स में गलत गलत बातें लिखते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि कुछ नहीं होता। अगर आप जो है ना बुरे कर्म करोगे तो उसका असर आपके बच्चों पे हमेशा जाता है। कहते हैं ना कि माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा हमेशा बच्चों को मिलती है, तो ये चीज़ हमेशा सच्चाई है गाइस। तो कभी भी मत ऐसा किसी के साथ गलत व्यवहार मत करिए, किसी को गंदा मत बोलिए, क्योंकि अगर आपके घर में भी फैमिली है तो आप पहले एक बार उनके बारे में सोच लीजिए, उसके बाद किसी के साथ बुरा करिए। तो बुरा करने वाले तो अपने जगह पे रहते हैं, लेकिन जिनके साथ बुरा होता है वो कभी रुकते नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, इंतज़ार का हद ही हो गया था। और मुझे पता है कि कल उनको ऑफिस का भी सारा सामान लदवा के भेजना था, फिर मेरे घर का बेड वगैरह भी लेके जो है लदवाना था। तो इसी वजह से पूरा दिन लग गया, और रात को हम लोग इतना थक गए थे कि मैं क्या बताऊं। रात को ही मैंने अपना पूरा बेडरूम सेट किया और सफाई किया, गद्दे में से तो इतनी धूल निकली, क्योंकि कई महीनों से हमारे गद्दे जो है ना जमीन में बिछ रहे थे, आपको पता ही होगा। तो जिसकी वजह से गद्दों के अंदर ना बहुत डस्ट घुस गया था, तो उसको सफाई करने में ही मेरी हालत खराब हो गई थी रात को ही। रात को जैसे ही खाना खाने से पहले मैं नहा के आई, और खाना खाते ही ऐसे मैं पड़ गई ना कि मुझे पता ही नहीं चला। सुबह सीधे 4 बजे मेरी नींद खुली, क्योंकि सैटरडे संडे को जो है ना मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो है इवेंट का भी काम चल रहा है, प्लस ऑफिस भी है। तो ऑफिस की ओपनिंग 2-3 दिन में होने वाली है, तो जल्दी वो भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैंने हस्बैंड से वीडियो कॉलिंग पे बात किया है, तो चलिए आप लोगों को एक छोटा सा झलक ही दिखाऊंगी कि कैसा है मेरा नया ऑफिस। और आप सब मेरे लिए दुआएं करना, प्रे करना, ताकि मैं दिन रात मेहनत करूँ, और बहुत मेहनत करना चाहती हूँ गाइस। बहुत सारे लोगों को बताना है कि कभी किसी की लाइफ में ना बुरा नहीं करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय। गाइज मेरा एक सेट तो बन के हो गया है रेडी, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मतलब दोनों हाथ की चूड़ियाँ बन के हो गई है रेडी। ये देखिए, गोल्डन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन में मैंने बनाया है, कुछ इस तरीके से पैटर्न है। और ये देखिए, ये देखिए, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अभी ये वाला ना थोड़ा सा गीला है, तो इसमें कुछ और करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ, क्योंकि वो गीला है, ख़राब हो जाएगा। तो ये वाला मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। ये कुछ ऐसा पैटर्न मैंने बनाया है, और पूरा तूफान आया हुआ घर में, हर चीज़ तहस नहस हो रही है, और मैं क्या करूँ, मेरे को भाड़ भूड़ डर लग रहा है कि खिड़की ना टूट जाए। तो इस गोल्डन वाले पे ना अब हमें बस एक ब्लू लाइनिंग देनी है, ये ब्लू कलर के धागे से। अरे, तो मेरा पूरा सेट बन के होता है रेडी यहाँ पे, ये देखिए।
और मैंने किया है एक बेस भी रेडी किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फिरोजी कलर का। तो इसको मैं कैसा बनाऊंगी वो भी आपको जरूर शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो चलो गाइस, रोटी बनाने जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मिलूंगी या बाद में मिलूंगी पता नहीं है। तो चलो बाय बाय गाइस। डिटेल दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।